नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार चक्रवर्ती विशुद्ध पूजा पद्धति चैनल की ओर से सभी को स्वागत करता हूं। पूजा पाठ के विषय में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को बजा दीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज शेयर कीजिए। एक प्रश्न का उत्तर के लिए हम चर्चा करेंगे मंत्र स्तोत्र लालटू मिश्रा। उन्होंने प्रश्न किया है, बड़े भैया मेरा एक प्रश्न है कि अष्टमी के दिन जो डाला भक्त लोग के आते हैं, मीन्स लोग लेके आते हैं, उसमें केला श्रृंगार सामान फल चूड़ी अनेक सारे वस्तु होता है, उसमें संकल्प की विधान बताइए। अरे वो जानना चाहता है, वो उसी जो डाला होता है उस डाला को कैसे संकल्प करके अर्चना किया जाता है, यही उनका प्रश्न है। तो लड्डू जी, मैं कोशिश करता हूं आपका प्रश्न का आंसर देने के लिए। सबसे बड़ी बात है, सिर्फ अष्टमी का दिन ये बात नहीं, नवमी का दिन भी लोग पूजा पाठ के लिए आ सकते हैं, अंजलि देने के लिए आ सकते हैं। आपका वहां का शायद रीति या रिवाज नहीं है। षष्ठी का दिन भी हमारे यहाँ पर पूजा के लिए स्त्री लोग आते हैं, षष्ठी देवी का पूजन के लिए, षष्ठी देवी की अंजलि देने के लिए। तो जब वो लोग आते हैं, स्त्री लोग आते हैं षष्ठी का दिन अंजलि देने के लिए, उनका उन लोगों का हाथ में भी एक डाला रहता है, जिस डाले में अपने जैसा जैसा कहा थाली में प्रेट रहता है, फल प्रेट रहता है, चावल रहता है, कभी कभी मिष्टान्न रहता है, वस्त्र भी रहता है और संग आलता या सुधी सिंदूर भी रहता है, तो श्रृंगार जिसको आप लोग बोलते हैं श्रृंगार भी रहते हैं। सो इस सभी को लेकर हम अर्चना कैसे करेंगे और देव या देवी को निवेदन कैसे करेंगे, या देव तो नहीं है यहाँ पर दुर्गा पूजा के बाद जैसे बात हो रहा है इसीलिए देवी, तो देवी को हम लोग समर्पण कैसे करेंगे। श्री श्री शारदिया दुर्गा पूजा। हर डाला में एक जैसा द्रव्य नहीं रहता है, तो आपको पहले कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा उस थाले में क्या क्या है। जैसे हम लोग अर्चना करते हैं किसी द्रव्य को, अगर मिष्टान्न को, सिर्फ मिष्टान्न को हम अर्चना करेंगे देवता को, देवी या देवी को निवेदन करने के लिए, समर्पण करने के लिए, तो हम बोलेंगे क्या, बंग ए तस्मै आमिक मिष्टान्नाय नमः, बंग ए तस्मै आमिक मिष्टान्नाय नमः, ऐसी तरह तीन बार जल उत्सर्ग करेंगे, जल देने के बाद एक पुष्प को लेकर बोलेंगे एति गंध पुष्पे आमिक मिष्टान्नाय नमः, एति गंध पुष्पे एतात् अधिपतये देवाय भगवत विष्णुवे नमः, एतत् संप्रदानाय रेंग दुर्गाय नमः। इस मंत्र से हम क्या निवेदन किया है, किसे, आमिक मिष्टान्न को देवी में, देवी को समर्पण किया है। तो ये तो सिर्फ आमिक मिष्टान्न है, और वहां पर क्या है ऐसा समझिए क्या, उसमें आमिक मिष्टान्न के संग फ्रूट भी है, फ्रूट दो या तीन चक्र फ्रूट है, वस्त्र है और संग चावल भी रह सकता है,
चावल नहीं है, पुष्प है, तब हम एक संघ में कितना वाक्य का गठन कर सकते हैं वो हमें क्विक सोचना पड़ेगा। आप जितना काम करेंगे, आप जितना पूजा पाठ करेंगे, उतना ही आपको ये क्विक सेंस आ जाएगा, आप ये अर्चना वाक्य बहुत तीव्र गति में आप गठन कर पाएंगे। यहाँ पर वाक्य जो प्रेजेंट करना पड़ता है ये कोई किसी भी पुस्तक में आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ऐसी तरह तो कोई विधान नहीं है, विधिवत नहीं है, ये लेके आओ वो लेके आओ देवी को समर्पण कर लेके, ऐसा तो कोई विधिवत है नहीं, विधिवत हो भी नहीं सकते। हमारा जितना क्षमता है, हमारा जितना भगवान को देने के लिए जुटा है, मतलब मैं जितना लेके दे सकता हूं मैं उतना ही तो मैं अपना देवी या देवी को समर्पण करूंगी। तो इसलिए आपको पहले उस डाली में क्या क्या है पहले देखना पड़ेगा। तो समझिए एक वाक्य हम गठन करके देते हैं, एक से अधिक जब वहां पर द्रव्य रहेंगे तब एक तस्मय में बंग एतेभ्यो आमिक अखंड फालमूल सहित वस्त्र भूनमः। तो क्या क्या हम बोले हैं, आमिक अर्थात मिष्टान्य है, आमिक्य अखंड अर्थात खंड फूल फल मूल नहीं, अखंड गोटा गोटा जो फल होता है तो उसको बोलता है अखंड फल। तो अखंड फल मूल सहित वस्त्र भूनमः, ये बोलकर हम अर्चना कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा अधिक है, बंग एतेभ्यो अखंड फलमूलो आमिक मिष्टान्न सहितो भज्य भौनमः, वस्त्र नहीं है भज्य अर्थात वहां पर चावल है, तो ये भी हम बोल सकते हैं। बंग एतेभ्यो अखंड फलमूलो आमिक मिष्टान्न सहितो भज्य भौनमः, इसके संग और पुष्प भी पूजा के लिए दे सकते हैं, माल्य भी दे सकते हैं इसके संग, तब हम वाक्य को और भी चेंज कर करना पड़ेगा। बंग एतेभ्यो आमिक आमिक मिष्टान्न अखंड फलमूल भज्य सहित पुष्प माल्य भौनमः, पुष्प माल्य भौनमः, पुष्प माल्य है जो ऐसी तरह क्या है, जो द्रव्य है वो द्रव्य आपको पहले देखना पड़ेगा। आपको देखने के बाद वाक्य क्या आप गठन कर सकेंगे, उसकी तरह हम घर गठन कर पा रहे हैं या नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। एतेभ्यो भुज्य भो नमः, एकदम शॉर्टकट में एतेभ्य भुज्य भो नमः, भुज्य में हर तरीके का द्रव्य रह सकता है, एकदम शॉर्टकट में अगर हम सही तरीके हम कोशिश करें और भी अच्छा बनाएंगे वचन या वाक्य और शुद्ध तरीके से हम गठन करके हम वो निवेदन करेंगे, तब तो हमें थोड़ी स्टडी करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो इसलिए मैं प्राइमरी स्टेज में जो बोल रहा हूँ वहां पर जो जो द्रव्य है, वस्त्र रहने से वस्त्र, अखंड फलमूल अखंड फलमूल, आमिक मिष्टान्न को आमिक्य मिष्टान्न, चावल को ऐसे तो हम नहीं बोल सकते ना, भज्य जिस पात्र में दिया है उस टोटल पात्र को लेकर वो बनता है भज्य। सो मैं शायद लल्टू को जो बोल रहा हूँ शायद वो उनके संग बहुत सारे हमारे नया दोस्त है वो लोग दोस्त सभी दोस्त समझ पाएंगे कि आप किस तरीके से नई डाला को एक पूजा के डाले को समर्पण किया जाता है। ऐसी तरह हम बोलेंगे पहले बंग एतेभ्य अखंड फलमूल आमिक मिष्टान्न भज्य सहित पुष्पमाल्य भौ नमः, क्या क्या बोला, अखंड फलमूल आमिक मिष्टान्न भज्य सहित पुष्पमाल्य भौ नमः, पुष्प फोर चार द्रव्य है इसमें,
ऐसी तरह तीन बार कहने के बाद बंगेत आखंड बल वाला आविक मिश्रण भुज सहित पुष्प वाले भ्यौ नव बंगेत भ्यौ आविक मिश्रण आखंड बल वाला भुज सहित पुष्प वाले भ्यौ नव आखंड पल्मूल आमिक मिश्रण भुज सहित पुष्पमल्यभ्यौ नमः एते गंध पुष्पे आखंड पल्मूल आमिक मिश्रण भुज सहित पुष्पमल्यभ्यौ नमः एते गंध पुष्पे एतादीपतये देवाय भगवद्विष्णवे नमः एतत् संप्रदानाय रेम दुर्गाय नमः। अर्चना होने के बाद अब वाक्य प्रयोग करेंगे। वाक्य में भी वैसी तरह विष्णुं तस्यति अद्यौ अमुक मासे अमुक बक्खे अमुक तिथौ। अब जिसका नाम से वो डाला अब चढ़ाएंगे भगवान को समर्पण करेंगे तो उनका नाम उनका गत्र पहले अमुक गत्रत पन्या बा अमुक गत्रत पन्या अमुक दस्या या देव शर्मा ब्राह्मण होने से देव शर्मा नाम के बाद और अलग टाइटल का होंगे ब्राह्मण के बगैर जो जब होंगे तो उनका नाम बोलकर दस्या मत संकल्पित दुर्गा देवी पूजंग भूत आखंड फल मूल आमिक मिष्टन्न भज्ज सहित पुष्पमल्लम दुर्गा वै निवेदयामि जल देखिए दीवा दुर्गा वै निवेदयामि बोलने के बाद पुष्पमल्ल लेकर हम पुष्पमल्ल चढ़ा देंगे और अलता सिंदूर अगर रहेंगे तो हम दे देंगे। इस तरीके से आपको पहले दो चार दिन करके दो चार दिन अगर ऐसी तरह चलेंगे तो आप खुद भी खुद ही समझ पाएंगे आपका ब्रेन में सेटिंग हो जाएगा किस तरीके से आपको ये काम करना है। शायद लालटू जी को प्रश्न का उत्तर मैंने देने की कोशिश किया है। उनका अगर अच्छा लगा तो हम जरूर बोलेंगे। আমাদের পূজা পাঠের এইসব তথ্য পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইবটা করে নেবেন, পাশের বেল আইকনটা প্রেস করবেন, লাইক দিতে অবশ্যই ভুলবেন না। সঙ্গে থাকুন, ভালো থাকুন, দেখতে থাকুন বিশুদ্ধ পূজা পদ্ধতি। নমস্কার।